में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ, नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से, जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1,00,000 करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है, यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है, देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है, दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 times more, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और 0 टैक्स पे किया है, 0 टैक्स।